स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 41 में फिश कल्चर, पीसी कल्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीसी कल्चर के कंप्लीट मेथड, उसकी पूरी प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो लेक्चर है, बेसिकली जो पीसी कल्चर का सेकंड पार्ट है, इसमें हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिनकी हेल्प से फिशेस का प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस, मछलियों का किस प्रकार प्रिजर्वेशन किया जाता है। नंबर वन, सबसे पहली जानकारी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आखिर फिशेस के प्रिजर्वेशन की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, कि जो पीसी कल्चर का काम है या जो फिश कल्चर है, मत्स्य पालन की जो क्रिया है, वो केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हैं, इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में मछलियों को पकड़ा जाता है या पीसी कल्चर की क्रिया की जाती है। लेकिन भोजन के रूप में मछलियों का उपयोग पूरे विश्व में सभी स्थानों पर होता है, इसलिए ये आवश्यक होता है कि जहाँ से मछलियों को पकड़ा गया है या जहाँ पीसी कल्चर का काम हो रहा है, वहाँ से इन्हें उन सभी क्षेत्रों में एक्सपोर्ट किया जाए, भेजा जाए, जहाँ मत्स्य पालन की क्रिया नहीं होती लेकिन भोजन के रूप में मछलियों का उपयोग ज़रूर किया जाता है। तो इसलिए आवश्यकता होती है कि इन मछलियों को प्रिजर्व किया जाए। ओके, नंबर टू, कि ये कुछ जो टेक्निक हैं ऐसी प्रिजर्वेशन की, इन टेक्निक के कारण मछलियाँ लंबे समय तक सही बनी रहती हैं, खाने योग्य बनी रहती हैं और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। तो इन सभी कारणों के कारण फिश के प्रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर टू, अब फिश जो प्रिजर्वेशन है उससे होगा क्या? नंबर एक तो इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। नंबर टू, जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उसका दूसरा फायदा ये है कि इन मछलियों को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इनका उपयोग उस समय किया जा सकता है जब इनकी आवश्यकता हो। इसका मतलब कि अगर मछली आज उपयोग में नहीं ली जा रही है तो उसे डिस्पोज करने की या नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं और बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। नंबर तीन, ये जो टेक्निक हैं प्रिजर्वेशन की, इसमें कई प्रकार के केमिकल्स यूज़ में लेते हैं, कुछ विशेष तकनीकें यूज़ में लेते हैं और विज्ञान की कई शाखाओं का इसमें समावेश होता है। इन सब कारणों से जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो फिश प्रिजर्वेशन के क्या प्रॉफिट्स हैं? तो तीन प्रॉफिट हमने यहाँ डिस्कस किए। एक तो इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, ये कोई अनिवार्यता नहीं रह जाती कि उन फिशेज को उसी समय उपयोग किया जाए और अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो बाहर फेंक दिया जाए। प्रिजर्वेशन के द्वारा मछलियों को प्रिजर्व कर सकते हैं और जब आवश्यकता हो तब उनका उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा, कि केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, कुछ
इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ में ली जाती हैं और साइंस की कई शाखाओं का इसमें समावेश होता है। और इस प्रकार जब प्रिजर्वेशन करते हैं तो फिश की जो क्वालिटी है उसमें भी इंक्रीज़ हो जाती है। जनरली हम जब प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे घरों में भी हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करते हैं, और प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली हम चार तरीके काम में लेते हैं। डिहाइड्रेशन, सुखाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में ग्वारफली, सांगरी, इस तरह की जो सब्जियां हैं उनको जब एक विशेष मौसम में, ऋतु में ये सब्जियां प्राप्त होती हैं तो इन्हें लेकर सुखाया जाता है। ये डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है। दूसरा तरीका है लोअरिंग टेम्परेचर, कि कम तापमान पर रखा जाए। तो हम रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीज़र में सब्जियों को रखते हैं तो कम तापमान पर भी प्रिजर्व किया जा सकता है। तीसरा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए हम बार बार उसे गर्म करते हैं तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ाकर भी हम इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। और चौथा है प्रिजर्वेटिव्स, कुछ रसायनों का उपयोग करें, जैसे सिरका है अचार में डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, तो ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ में लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे घरों में हम चार मेथड भोजन को प्रिजर्व करने के लिए काम में लेते हैं। चार मेथड में एक डिहाइड्रेशन की बात की, कम ताप की बात की, उच्च ताप की बात की और प्रिजर्वेटिव के उपयोग की बात की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक पर फिश प्रिजर्वेशन के बारे में। तो क्या क्या मेथड्स फिश प्रिजर्वेशन के लिए काम में लिए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है वो है सॉल्टिंग का। सॉल्टिंग में क्या करते हैं, सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं फिश को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ जो प्रिजर्वेटिव एजेंट हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हम काम में ले रहे हैं वो सॉल्ट हैं। तो इसमें क्या करते हैं सॉल्टिंग प्रोसेस में, के विभिन्न प्रकार के जो सॉल्ट हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसके कारण सॉल्टिंग के कारण जो वाटर है फिश के अंदर वो बाहर निकल आता है और उसके ख़राब होने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है, या लंबे समय तक फिश को सॉल्टिंग की प्रोसेस के द्वारा प्रिजर्व रखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हो कि ये फिशेज और फिशेज के कुछ प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर फिश के प्रोडक्ट्स हैं, ये कंप्लीट फिशेज हैं और इन फिशेज के ऊपर सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव एजेंट का काम करता है और इन मछलियों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। तो सॉल्टिंग एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। दूसरा है डिहाइड्रेशन और सन ड्राइंग, या तो सीधा ही सूर्य के प्रकाश में रखा जाए, डायरेक्ट सनलाइट में, या फिर डिहाइड्रेशन करवाया जाए कि थ्रू एयर के थ्रू ड्राई एयर उस पर डाली जाए। तो ऐसा करने से भी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो सकती है, डायरेक्ट सनलाइट में रखने से भी ये प्रोसेस हो सकती है डिहाइड्रेशन की, और इन दोनों ही प्रोसेस के द्वारा जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल आता है और उसके कारण भी फिश को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये दूसरा जो मेथड था फिश के प्रिजर्वेशन का वो है सन ड्राइंग, डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, या फिर जो एयर है और वो भी ड्राई एयर उससे एक्सपोज करें तो भी इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। जो नेक्स्ट मेथड, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट का एग्जांपल लिया है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट काम में ली है, या फिर हम यहाँ पर ये जैसे इस वाले डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर ड्राई एयर को अप्लाई करते हैं जिसके कारण भी फिश को प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है फिश प्रिजर्वेशन का वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या करते हैं, हम धुआं उसका उपयोग करते हैं और उस धुएं के कारण फिश को
प्रिजर्व किया जाता है। ये धुआँ क्या करता है कि जो बैक्टीरिया है जो फिश के ख़राब होने की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन बैक्टीरिया को ये स्मोक डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लॉन्ग स्मोकिंग है, हॉट स्मोकिंग है, रोस्टिंग है, इस तरह के कुछ मेथड्स यूज़ में लिए जाते हैं। अगला जो मेथड है वो चिलिंग। चिलिंग में क्या करते हैं कि फिश को रखते हैं और उनके ऊपर आइस की लेयर कवर कर दी जाती है। तो आइस की जो लेयर कवर करते हैं उसके कारण एक प्रिजर्वेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन ये बर्फ़ अकेला, आइस जो अकेला है वो लंबे समय तक प्रिजर्वेशन का काम नहीं कर सकता, इसलिए हम साथ में कुछ और प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ में लेते हैं। तो अगर छोटे समय के लिए, कम अवधि के लिए अगर प्रिजर्व करना है फिश को तो आइस यूज़ में लेते हैं और चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये प्रोसेस करनी है तो आइस अफेक्टिव नहीं है, ऐसी कंडीशन में फ्रीजिंग की प्रोसेस की जाती है। फ्रीजिंग है वो चिलिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा अफेक्टिव है। इसमें आइस और सॉल्ट इनका एक मिक्सचर यूज़ में लेते हैं या तो, या फिर हम रेफ्रिजरेटर का काम में लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में जीरो टेम्परेचर पर फिशेस को रखा जाता है तो वो फ्रोजन हो जाती हैं, सभी प्रकार की जो हार्मफुल एक्टिविटी ख़राब होने वाली हैं वो सब जीरो पे आ जाती है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती और लंबे समय तक फिशेस को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। लास्ट हम बात करेंगे कैनिंग की। ये प्रिजर्व करने का सबसे अफेक्टिव मेथड है कैनिंग। कैनिंग को हिंदी में डिब्बाबंदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि फिश को वैक्यूम कंडीशन के अंदर डिब्बों के अंदर पैक करके रखा जाता है, जिसके कारण अंदर वैक्यूम होने से किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी, इन्फेक्शन नहीं होते और वो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व बनी रहती है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में एक फिश को पहले क्लीन किया जाता है, फिर इसे एक बोतल के अंदर या पर्टिकुलर जो कैन होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनके अंदर डाला जाता है। ये जो डिब्बे हैं इनको स्टरलाइज किया जाता है और हाई टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्हें इन डिब्बों के अंदर पैक किया जाता है। फिर ये कैंस जो है, डिब्बे हैं, इनको सील कर दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है। इस प्रकार कैनिंग की प्रोसेस के द्वारा लंबे समय तक ये फिश प्रिजर्व रहती है। ये यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो किया है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार फिश के प्रोडक्ट को डिब्बाबंदी करके प्रिजर्व किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था आपने पीसी कल्चर का सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट बेसिकली रिलेटेड था फिशेस के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, और प्रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी था वो भी समझा आपने, क्योंकि विश्व में सभी स्थानों पर मछली पालन या मत्स्य पालन की क्रिया नहीं होती, लेकिन मछली को भोजन के रूप में उपयोग लगभग सभी देशों में किया जाता है। इसलिए जहाँ इनका पालन हो रहा है या जहाँ फिश कल्चर की क्रिया हो रही है, वहाँ से इन मछलियों को दूसरे देशों में, दूसरे स्थानों पर एक्सपोर्ट किया जाना होता है, और इसके लिए आवश्यक होता है कि लंबे समय तक ये मछलियाँ खराब ना हो और ये उसी स्थिति में बनी रहे जिस स्थिति में इन्हें पकड़ा गया है या जिस स्थिति में इनका कल्चर किया गया है। और इसी उद्देश्य को देखते हुए फिश कल्चर के दौरान फिश के प्रिजर्वेशन की प्रोसेस होती है। प्रिजर्वेशन के तीन महत्व भी मैंने आपको बताए कि एक तो ख़राब होने से हम बचा सकते हैं, दूसरा कि आवश्यक नहीं है मछली का उपयोग इमीडिएट किया जाए तो उसे बाहर नहीं फेंका जाए, उसे प्रिजर्व किया जा सकता है, ये हमें फिश प्रिजर्वेशन मेथड से पता चलता है। और तीसरा, जब हम प्रिजर्व करते हैं तो साइंस की दूसरी जो ब्रांचेज हैं
उनको भी हम यूज़ में लेते हैं तो उसके कारण फ़िश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। फिर आपको चार मेथड्स बताए, क्योंकि फ़िश प्रिजर्वेशन के जितने मेथड हमने डिस्कस किए, चाहे सॉल्टिंग है, चाहे फ्रीजिंग है, चाहे चिलिंग है, चाहे डिहाइड्रेशन है, चाहे कैनिंग है, ये बेसिकली इन फोर मेथड्स पर डिपेंड करते हैं। डिहाइड्रेशन पर, लोअरिंग टेम्परेचर पर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर और यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स पर डिपेंड करता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था हमारे सिलेबस में, केवल इनके नाम हैं, स्मोकिंग के, कैनिंग के, चिलिंग के, फ्रीजिंग के, तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम सहित आपको बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार ये प्रोसेस फ़िश कल्चर के दौरान या फ़िश कल्चर के बाद की जाती है और क्या सिग्निफिकेंस है इन प्रोसेस के, ये आपने समझा आज। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।